The Bond Serum for dry and unruly hair, 24 hours intense smoothness for rough hair, cuts away frizz, ultra glossy. Hey everyone, welcome back to my channel. So, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगी हेयर सीरम के बेनिफिट्स एंड मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमें हेयर सीरम यूज करना चाहिए। लोशन लगाने के बाद हमारी बॉडी पर जो फर्क नजर आता है उसी टाइप से सीरम लगाने के बाद हमारे हेयर पर फर्क नजर आता है। सीरम हमारे हेयर्स को नरिश करता है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सीरम हमारे हेयर को शाइनिंग, ग्लॉसी एंड स्मूथ बनाता है। सो इसीलिए हमें सीरम यूज करना चाहिए एंड हमें ऑल सीजन में सीरम यूज करना चाहिए। मतलब बारिश में जो हमारे फ्रिजी हेयर्स हो जाते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, उनको ये एकदम मतलब स्मूथ बना देता है। ये हमारे बालों को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, हमारे बालों को डल एंड ड्राई होने से बचाता है एंड सर्दियों में ये हमारे बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से हमारे बाल टूटते और झड़ते वगैरह नहीं, हमारे बालों को मैनेजेबल बनाता है। सो सीरम हमें इतने सारे तरीकों से हेल्प करता है। सो हमें सीरम यूज़ करना ही चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपको शैम्पू करना चाहिए, कंडीशनर करना चाहिए एंड उसके बाद जब आपके बाल ज़्यादा ना ज़्यादा सूखे हों ना ज़्यादा गीले हों, आपको हल्के गीले बालों में सीरम यूज़ करना चाहिए थोड़े से अमाउंट में लेके, तो वो चीज़ आपके बालों के लिए बेस्ट रहती है। अगर आप कुछ भी यूज़ ना करें बट अगर आप सीरम और कंडीशनर यूज़ करें तो भी आपके बाल मतलब बहुत अच्छे रह सकते हैं, आपके बाल हमेशा स्मूथ बने रहेंगे, तो आपके बाल मैनेजेबल बने रह सकते हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारे बाल फ्रिजी हो जाते हैं तो उनको भी कंट्रोल करने में सीरम बहुत हद तक हेल्प करता है। अलग अलग बालों के लिए मतलब आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम हो तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सीरम आते हैं, तो आप अपने बालों के अकॉर्डिंग कोई भी सीरम चूज़ कर सकते हैं। बट वीडियो में हम लेवॉन सीरम के बारे में बात करेंगे। पहले मैं ये वाला सीरम यूज़ करती थी, आप देख सकते हैं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर मुझे लेवॉन का ट्राई करना था। ये भी बहुत अच्छा है और ये भी अच्छा है। इन दोनों की ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं, सो आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी करेंटली अभी मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, तो इसका रिव्यू करेंगे। तो ये स्पेशली ड्राई एंड अनरूली हेयर के लिए है और 24 आवर्स इंटेंस स्मूथनेस ही आपको प्रोवाइड करता है। 24 आवर्स मतलब पूरा एक दिन तो आपके बाल बहुत अच्छे मैनेजेबल बने रहेंगे इसको यूज़ करने के बाद। तो मैंने कल हेयर वॉश करे थे, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करा, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे बाल थोड़े इस टाइप के हैं। तो हम सीरम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो आप सीरम को सूखे वालों में भी यूज़ कर सकते हैं, हल्के गीले वालों में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं हल्के गीले वालों में यूज़ करूँ, बट अभी मेरे बाल पूरे सूखे हैं तो मैं इनको थोड़ा सा गीला कर लूँगी। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को हल्का गीला कर लिया है, तो अब हम सीरम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा ही अमाउंट लेना है, अगर आपके बालों की लेंथ लंबी है तो आप एक आध ड्रॉप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा ही यूज़ करना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट फिर उल्टा आएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा ही यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं हमने एक साइड सीरम लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने इस साइड सीरम लगा लिया है, तो आप ये वाली साइड कंपेयर कर सकते हैं। सीरम लगाते ही मेरे बाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गए हैं और शाइनी भी थोड़े हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये शाइन 24 आवर्स तक बनी रहती है, इसी टाइप से स्मूथ एंड शाइनी हेयर्स बने रहते हैं सीरम यूज करने के बाद। हम इस साइड भी सीरम यूज करते हैं। तो हमने ये सीरम यूज़ कर लिया है एंड सीरम यूज़ करने के पहले मेरे बाल जैसे थे, सीरम यूज़ करने के बाद मेरे बाल जैसे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। अब मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं, मतलब आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल भी उलझे नहीं हैं। और सीरम लगाने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप हल्के गीले बालों में कोम करने से पहले सीरम लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं सीरम यूज़ करने के बाद आपके बाल। तो ये बहुत अच्छा मतलब बेस्ट पार्ट है कि आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आपके बाल बहुत हेल्दी बने रहते हैं सीरम यूज़ करने से। तो ये वाला मैं लेवॉन का भी करंटली यूज़ कर रही हूँ, ये 50 ml का है एंड 140 का है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा।
तो पहले जो सीरम मैं यूज़ करती थी वो वाला सीरम भी बहुत अच्छा है, लेवॉन का ये वाला सीरम भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे सीरम यूज़ करने के। अगर आपको आपके बाल मैनेजेबल और अच्छे रखने हैं तो आपको सीरम यूज़ करना ही चाहिए, बहुत अच्छा रहता है आपके बालों के लिए। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डालती हूँ और वहाँ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो आप जाके मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।